हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ वैभव सैनी। आई एम प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो इन आर इंटरव्यू सीरीज देर इज़ वन मोर सेशन दैट आई विल अपलोड राइट नाउ। दिस सेशन इज़ अबाउट द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय आरआरबी एंड द अपॉर्चुनिटीज, और यू कैन से द एडवांटेजेस ऑफ आरआरबी सो दैट यू पीपल विल सी इन द नियर फ्यूचर। सो दिस सेशन इज़ ऑन वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स डिमांड। आई विल नॉट डिस्क्लोज हर नेम। So thanks to her to raise the doubt, and I'll cover in the video. So firstly, I'll cover the challenges in RRB. I'll read like ये सब मैंने last time अपने preparation के वक्त लिखा था, तो I'll just read it for you. First challenge is difficulty in deposit mobilization. Now what does it mean? Like RRBs are aiming at catering to the needs of poor and not serving the needs of the rich. So RRBs are not able to attract the deposit from the potential sector of the rich. So this is one of the challenge faced by RRB, that difficulty in deposit mobilization. मतलब they are catering only the poor and not the rich. So the next challenge is illiteracy and lack of knowledge amongst the poor. One is illiteracy. You are all aware about the illiteracy. Like in rural areas, mostly the villagers or the you can say our farmers are illiterate, means they don't have that much of knowledge about the government schemes, government policies and things that can benefit them. So this is covered under the topic of lack of knowledge. So this is one of the challenge faced by RRBs. The third point is poor recovery rate. Now what does it mean? Like when you will become probationary officers, you will lend loan to the farmers, to the daily wage laborers. But the topic that comes here is recovery rate. Like it means, like after becoming probationary officers, after becoming managers in RRBs, you will also lend loan to the farmers, to the daily wage laborers. But the major problem is to get that loan amount back from the farmer. Otherwise, it will become NPA. And this is the major issue faced by RRBs. Like यू ऑल नो कि जो हम लोन देते हैं फार्मर्स को, वो क्रॉपिंग सीजन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और इनका लोन एनपीए बनने का तरीका भी फार्मर्स का डिफरेंट होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना यार। इनकी क्रॉपिंग साइकिल्स के अकॉर्डिंग इनका एनपीए थोड़ा अलग प्रोसीजर से बनता है, ठीक है? तो ये देख लेना। सो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ तीनों पॉइंट्स। फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, सेकेंड इलिटरेसी एंड लैक ऑफ नॉलेज अमंग्स द पुअर, थर्ड पुअर रिकवरी रेट। सो दीज आर द थ्री मोस्ट कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाई ऑल द RRBs इन इंडिया राइट नाउ। नाउ आई द अपॉर्चुनिटीज और द एडवांटेजेस ऑफ RRBs, लाइक आपको क्या बेनिफिट होगा एज अ RRB मैनेजर और RRB प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। लाइक आफ्टर बिकमिंग द मैनेजर्स, यू विल लैंड लोन, यू विल गिव लोन, यू विल असिस्ट द फार्मर्स, द डेली वेज लेबरर्स, यू विल प्रोवाइड देम दियर डेली ब्रेड, लाइक यू विल हेल्प दैम इन ग्रोइंग क्रॉप्स। सो दिस इज द इनर हैप्पीनेस दैट यू विल फील, एंड दिस इज जॉब सेटिस्फेक्शन। लाइक यू विल डू समथिंग ग्रेट, लाइक यू विल बिकम हैप्पी कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। सो दिस इज मतलब एज कम्पेयर टू RRBs, यू विल नॉट फील दिस हैप्पीनेस इन एनी अदर बैंक। लाइक कुछ भी हो यार, मतलब यू विल नॉट फील दिस हैप्पीनेस कि आपने किसी पुअर की हेल्प की, किसी गरीब को आपने कुछ खाने को एटलीस्ट कुछ दिया कि वो क्रॉप ग्रो कर पा रहा है, अपना घर चला पा रहा है, ठीक है? एंड सेकेंड, RRB एम्प्लॉयज ऑल्सो अटेंड ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, एंड इन द ट्रेनिंग सेशंस दे लर्न फार्मिंग, ब्रीडिंग, ऑप्टिमल यूज ऑफ वाटर। सो दिस विल हेल्प इन लेंडिंग लोन, दिस विल हेल्प इन सर्विंग द कस्टमर्स, हेल्पिंग इन दिस विल हेल्प इन सर्विंग द रूरल कस्टमर्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड द ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस। अब आपको सभी को पता है द वर्क लोड इन RRBs आर मच लेस देन एनी अदर बैंकर। सो द वर्क लाइफ बैलेंस इज वेल मेंटेन्ड इन RRBs। लाइक आप वेल इन टाइम इवनिंग अपने घर वापस आ जाएंगे, देन यू विल एंजॉय विद योर फैमिली। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज देयर। थर्ड पॉइंट इज लेस एक्सपेंस। लाइक इफ यू आर सिलेक्टेड इन एनी बैंक, इन RBI, इन SBI, इन एनी बैंक, सो you will posted in towns, and towns are very much expensive as compared to the rural areas, as compared to the villages. So you have to pay less money in villages, your expenses will be less, your investment will be less, ठीक है? तो इस तरीके से ये तीन पॉइंट्स मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन, सेकेंड इज
वर्क लाइफ बैलेंस एंड थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज लेस एक्सपेंस. सो इफ एन इंटरव्यूअर आस्क यू दिस क्वेश्चन लाइक वॉट आर द थ्री चैलेंजेस इन आरआरबी, यू विल क्विकली से लाइक सर फर्स्ट इज पुअर रिकवरी रेट, सेकेंड इज डिफिकल्टी इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड थर्ड इज इलिटरेसी एंड लैक ऑफ नॉलेज अमंग्स द पुअर. नाउ अगर आप ये तीनों चीज बोल रहे हैं, रिकवरी रेट पुअर है, इलिटरेसी है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो पता है इंटरव्यू का अगला क्वेश्चन आपसे यही होगा लाइक आफ्टर बिकमिंग अ मैनेजर हाउ विल यू इम्प्रूव द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द पुअर, हाउ विल यू वर्क ऑन द इलिटरेसी, लाइक वॉट ऑल यू विल डू फॉर दिस, लाइक पुअर रिकवरी रेट है तो वॉट विल यू डू टू डू दिस. लाइक मुझसे पूछा गया था अबाउट एनपीए कि आप एनपीए को कैसे होने से रोक सकते हैं कि आपने कोई लोन दिया तो एनपीए ना हो, ठीक है, मुझसे ये पूछा गया था. तो मतलब आप जो भी बोलें आपको उसका क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है और ये सोच समझ के बोलें जो आप बोल रहे हैं सामने वाला उस पर आपको क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेगा. तो अपने मुंह से कुछ ऐसा ना बोले जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, ठीक है. और आप जब बोलेंगे वर्क लाइफ बैलेंस, लेस एक्सपेंस या जॉब सेटिस्फेक्शन, तो इस पर भी क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा फिर. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई हैव कवर्ड 3 पॉइंट्स इन चैलेंजेस एंड 3 पॉइंट इन अपॉर्चुनिटीज और यू कैन से एडवांटेजेस ऑफ बींग आरआरबी पीओ. थैंक्स टू मैम जिन्होंने ये क्वेश्चन क्वेरी मुझसे पूछी थी. आप भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे बताना यार, क्योंकि अपनी तरफ से मैं पूरे सेशंस डालने की कोशिश कर रहा हूँ जो जो लाइक मैंने फेस किया है, जो जो क्वेश्चंस मैंने किए थे इंटरव्यू में. आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताना, आई विल कवर अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट ऑल्सो. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय.